फ्रेंड्स, आज अपने इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा हेरिटेज ऑफ राजस्थान पर। देखिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से 2, 5 या 10 किसी भी नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली 2 या 5 नंबर पे क्वेश्चन आने की संभावना है। अब देखिए, सिलेबस बहुत बड़ा है, कल्चर हमारा बहुत वास्ट है, बहुत गौरवशाली है, और उसको पढ़ना अपने आप में गौरव की बात है, लेकिन लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। तो हो सकता है क्वेश्चन का नेचर इंक्लूसिव नेचर का हो, जैसे कि आप देखें पुराने पेपर्स में क्वेश्चन पूछा गया है ना कि शेखावटी रीजन के ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल फीचर्स को बताइए। अब देखिए, ज्योग्राफी तो पेपर 2 में, पेपर 1 में नहीं है, तो हो सकता है कि वो इंक्लूसिव वे में क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए रीजन वाइज के फीचर्स पूछ ले, जैसे शेखावटी के बताइए, ढूंढाड़ के बताइए, मेवाड़ के बताइए, मारवाड़ के बताइए, मेवात के बताइए, इस तरह से क्वेश्चन बन जाए। ओके, देखिए दूसरी बात दोस्तों, यहाँ मैं इसको बहुत कंसाइज और टू द पॉइंट बताने वाला हूँ, ठीक है। और मैं ये भी कह दूँ कि पूरे राजस्थान में अगर राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की सबसे लीस्ट नॉलेज अगर किसी व्यक्ति को है तो वो मैं हूँ, ठीक है। मेरे इस लेक्चर का सोर्स है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ये बुक, ठीक है। इसके अलावा एक गाइड जो पूरे राजस्थान में बहुत फेमस है, लक्ष्य, वहाँ से मैंने इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है, ठीक है। देखिए दोस्तों, जो हम हेरिटेज जो हमें पढ़ना है, राजस्थान का जो हेरिटेज पढ़ना है वो हमें इन कैटेगरीज में पढ़ना है: परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, फेयर एंड फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक डांस, सेंट, लोक देवी एंड देवता, इसमें देवी शामिल नहीं है, भी मैंने लिख लिया यहाँ पे, लोक देवी एंड देवता, डायलेक्ट्स एंड एमिनेंट पर्सनैलिटीज। देखिए, इसमें जो मैंने कैटेगरी शामिल नहीं की है वो है आर्किटेक्चर और एंड लिटरेचर, यहाँ पे इन दोनों की मैं बात नहीं करूँगा। इसके अलावा हेरिटेज के सारे फीचर्स की हम बात करेंगे। ओके, यहाँ मैंने सबसे पहली जो कैटेगरी ली है रीजन वाइज, जो जो रीजन रीजन मैंने लिया है वो है बागड़ रीजन। देखिए, जो हमारा जो बागड़ रीजन है उसको राजस्थान के एंशियंट टेक्स्ट में बारगट भी कहा गया है। बागड़ रीजन राजस्थान का बेसिकली सदर्न रीजन है जो गुजरात और एमपी की बॉर्डर से टच करता है, और हमारे राजस्थान के जो बांडू प्रताप, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट सब मेनली वो इसमें शामिल किए जाते हैं बागड़ रीजन में। ओके, अब देखिए यहाँ इसको मैं शुरू करने से पहले आपको इन फॉलोइंग कैटेगरीज का एलोब्रेशन कर देता हूँ मैं, कि इन कैटेगरीज में हमें क्या क्या बेसिकली पढ़ना होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट की ना, तो बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं लोकल ड्रामा की। ओके, पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। अब पेंटिंग राजस्थान में 2 तरह की है, एक तो फोक पेंटिंग और दूसरी हमारी नॉर्मल पेंटिंग। बेसिकली ओवरऑल जो पेंटिंग होती है उसकी 2 कैटेगरी होती है, मूरल एंड मिनिएचर। जो मूरल पेंटिंग है वो हम करते हैं गुफाओं में, मंदिरों की दीवार पर, जैसे अजंता एंड एलोरा केव्स हैं। और मिनिएचर पेंटिंग वो होती है जिसे हम किसी कागज पे या रैगजीन के टुकड़े पे करते हैं, जैसे राजस्थान में जो फोक पेंटिंग है फड़ पेंटिंग, जैसे बाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़ जिसमें उनके मैथोलॉजिकल रिलीजियस स्टोरीज का हम डिस्क्रिप्शन किया जाता है उस, ठीक है। इसके अलावा कागज पे की जाने पेंटिंग, जैसे कि हमारी किशनगढ़ की फेमस बड़ी ठड़ी पेंटिंग। तो इसमें हम बेसिकली बात कर रहे हैं परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट में लोकल ड्रामास की एंड पेंटिंग की, राजस्थानी कॉन्टेक्स्ट में फड़ पेंटिंग एंड कागज वाली पेंटिंग। ओके, फिर हम बात करेंगे इसमें हैंडीक्राफ्ट की। देखिए, राजस्थान का जो हेरिटेज है, हैंडीक्राफ्ट है ना, ये सब हमारे टूरिज्म की बैकबोन है, ये है, तो हमारा टूरिज्म एक नेक्स्ट लेवल पर है राजस्थान का। ओके, नेक्स्ट है इसमें फेयर एंड फेस्टिवल्स। राजस्थान में कहते हैं ना कि तीज आई त्योहार लाई ले डूबी गणगौर, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से और समापन गणगौर से किया जाता है। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, मेरा खुद का मीडियम इंग्लिश है, ठीक है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी है इसलिए मैं हिंदी में अफोर्ड कर लेता हूँ, मैं इनको ट्रांसलेशन कर लेता हूँ, लेकिन इस कल्चर को जब मैंने पढ़ा तो हिंदी में जो पढ़ने का मजा आया ना वो इंग्लिश में नहीं आया, जब दिल की जबान तो हिंदी होती है ना अपनी। नेक्स्ट है फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक की जब हम बात करते हैं ना, तो बेसिकली इसमें बात कर रहे हैं फोक सॉन्ग्स की, जैसे चिरमी हुआ है ना, गुड़ और भी है, जैसे मारा छैल बबर रो कांगसियो ले गयो, ऐसे गाने हैं ना। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ सिंगिंग, जिसमें मांड गायकी, लंगा गायकी, मंगनियार गायकी की हम बात करते हैं, जैसे वो बहुत फेमस गाना है ना हमारा कि केसरिया बालम पधारो मारे देश। उसकी अभी देखिए, जो पीके मूवी थी उसमें गाना था ना थर की छोकरो, और जो आमिर खान की दंगल मूवी थी उसमें गाना था ना कि बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, तो इन्हीं की इस तरह गायन शैली के लोगों से गवाए गए थे गाने वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फोक डांस,
फिर है सैंट संत। देखिए राजस्थान में बेसिकली दो तरह की भक्ति थी, सगुण और निर्गुण। जब हम बात करते हैं सगुण भक्ति की, तो सगुण भक्ति में क्या होती है, मूर्ति पूजा होती है, भगवान शिव और विष्णु के अवतारों की पूजा है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड्स हैं और आम व्यक्ति इनसे जुड़ता नहीं है ज्यादा, जल्दी से जोड़ नहीं पाता है। ओके, तो आम व्यक्ति को भक्ति से जोड़ने के लिए आई थी निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति में भगवान को किसी आकार नहीं माना गया, भगवान की कोई मॉर्फोलॉजी नहीं मानी जाती है, और बहुत सिंपल वे में भक्ति की जाती है और आम व्यक्ति इनसे जुड़ जाता है। जैसे हमारे दादू दयाल जी हैं, कबीर दास जी हैं, जाम्बो जी हैं, चंद्रनाथ जी हैं, इस तरह के बहुत संत हुए हैं, निर्गुण भक्ति के संत हुए हैं। तो बेसिकली हम यहाँ उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट है लोक देवी एंड देवता की बात करेंगे, फिर है डायलेक्ट्स बोली की हम बात करेंगे, फिर है एमिनेंट पर्सनैलिटीज। अब देखिए राजस्थान में बहुत सी एमिनेंट पर्सनैलिटीज हुई हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक पर्सनैलिटी को लेकर बैठना आई डोंट थिंक सो समझदारी रहेगी, क्योंकि जब हम ऑलरेडी पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, फ्रीडम मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं, राजस्थान का पॉलिटिकल इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो बहुत सी पर्सनैलिटी से हमारा वहीं पर ही एनकाउंटर हो रहा है। तो यहाँ पे मैं इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ उनका नाम मेंशन करता जाऊँगा कि इस पर्टिकुलर रीजन में ये एमिनेंट पर्सनैलिटीज प्रिविलेंट थी, या ये पर्सनैलिटीज देखी गई थी, इनका बोल इनका डोमिनेंट था, वर्चस्व था। ओके, आइए सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मिंग एंड फाइन आर्ट की। देखिए बागड़ रीजन में हमें मिलती है एक तो गबरी फोक ड्रामा, यहाँ पे देखा जाता है गबरी फोक ड्रामा, बेसिकली गबरी पार्वती जी को बोलते हैं ना। तो गबरी फोक ड्रामा जो है ना, ये भगवान शिव और भस्मासुर की कहानी को डिस्क्राइब करता है ये, ठीक है। ये इसे राजस्थान का मेरु नाट्य भी कहते हैं और एंशियंट फोक ड्रामा भी कहते हैं इसको राजस्थान का। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट में हमारा जो प्रतापगढ़ जिला है उसकी थेवा कला बड़ी फेमस है। इसका जो सोनी परिवार है प्रतापगढ़ का, उस कला के लिए जाना जाता है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, हरे रंग का कांच होता है, उसमें गोल्ड की क्राफ्टिंग की जाती है। ओके, नेक्स्ट है अजरक एंड मलीर प्रिंट, ये बाड़मेर की फेमस है दोनों, अजरक एंड मलीर प्रिंट। ओके, फिर है फेयर एंड फेस्टिवल्स की हम बात करें तो बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम है, जिसमें माघ पूर्णिमा को मेला भरता है। मानगढ़ धाम वही जगह है जहाँ पे गुरु गोविंद गिरी जी ने भगत आंदोलन शुरू किया था। ओके, नेक्स्ट है बेड़ेश्वर मेला, जो कि डूंगरपुर में जगह है सावला, यहाँ पे भरता है। यहाँ पे तीन नदियां माही सोम और जाखम का संगम है, इस संगम पे नदी ये मेला भरता है। इसे बेसिकली आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। अभी हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो ये जो रिलीजियस प्लेस है बेड़ेश्वर धाम, इसके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट के लिए बेड़ेश्वर डेवलपमेंट बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट की भी अनाउंसमेंट की है। ओके, नेक्स्ट है सीता माता का मेला, जो कि प्रतापगढ़ में भरता है। घोटिया अम्बा का मेला, जो कि बांसवाड़ा में भरता है। ओके, अब हम बात करते हैं इसमें फोक म्यूजिक, जो कि इसके लिए इतना कुछ खास रेलिवेंट नहीं है इस रीजन के लिए। नेक्स्ट है फोक डांस, मेनली इस रीजन में भवाई नृत्य बड़ा फेमस है। भवाई नृत्य एक तरह से कमर्शियल नृत्य है, कमर्शियल डांस है, जिसमें क्या करते हैं, जो कलाकार है ना वो कलाबाजियाँ दिखाते हैं। मतलब डांस करते करते थालियों के किनारों पे नाचेंगे, गिलास पे खड़े होके नाचेंगे ना, इस तरह के जो हैरत अंगेज करतब दिखाते हुए नाचते हैं, इसलिए कमर्शियल डांस है ये। नेक्स्ट है जो बेसिकली देखिए जो बागड़ रीजन है ना, इसमें जनजातियां बड़ी पाई जाती हैं। तो जो भील जनजाति है ये यहाँ पे प्रेविलेंट है, और इसमें गैर युद्ध द्वि जो भील है, भीलों में गैर युद्ध द्विचक्की घुमरा गबरी नेजा जैसे नृत्य हैं। वहीं जो गारसिया भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, गारसिया में वालर लूट कूद मांदल मोरिया जैसे फोक डांसेस फेमस है। अब देखिए सोशियोलॉजी के सेक्शन में भी पढ़ना है ना, मीणा गारसिया और भील जनजातियां पढ़नी है, तो बेसिकली उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, अब बात करते हैं सेंट की। तो राजस्थान में सगुण भक्ति के इस रीजन में, बेसिकली बागड़ रीजन में, एक तो भक्त कवि दुर्लभ हुए हैं जिन्हें राजस्थान का नरसिंह कहते हैं, जो कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते हैं। वहीं गबरी बाई जो राजस्थान में बागड़ की मीरा जानी जाती हैं, एक हमारी मीरा बाई हैं जो जिनकी पदावली बड़ी फेमस है। तो ये भी जो कि भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, तो इसलिए बागड़ की मीरा कहते हैं। ये बागड़ रीजन में मेनली थी गबरी बाई। ओके, जो देखिए लोक देवता कुछ खास फेमस है नहीं इस बागड़ रीजन में, लेकिन एक एक लोक देवी हैं आसपुरी माता जी, ये डूंगरपुर में है, ये वहाँ की बड़ी फेमस है ये। ओके, देखिए यहाँ पे एक संत और मैं बता दूँ मैं आपको, जो बेणेश्वर धाम के संस्थापक हैं वो थे संत माव जी। ओके, और वहीं इसी बागड़ रीजन में पीर फखरुद्दीन जी की दरगाह भी है, जो कि बेसिकली दाऊदी बोहरा को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ये दरगाह है गलिया कोट डूंगरपुर में। ओके, नेक्स्ट है डायलेक्ट्स की अगर हम बात करें तो इस रीजन में बेसिकली बागड़ी भाषा बोली जाती है। बागड़ी मेवाड़ी की उप बोली है, और ये सब लैंग्वेज है मेवाड़ी मारवाड़ी की, यानी मारवाड़ी की सब लैंग्वेज है मेवाड़ी, और मेवाड़ी की सब लैंग्वेज है बागड़ी। ओके, नेक्स्ट है एमिनेंट पर्सनैलिटीज रीजन की अगर बात करें तो गुरु गोविंद गिरी जी हैं,
मोतीलाल पेजावत जी हैं और भोगीलाल पंड्या जी हैं। बेसिकली ये तीन एमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं जिनका संबंध इस बागड़ रीजन से है। देखिए हमारे फिर मैं बता दूं, एंशियंट टेक्स्ट में बागड़ को बागट भी कहा गया और कुछ बुक्स में बागड़ को वागड़ भी कह रहे हैं। ये दोनों में यहाँ पे लिख लिया है मैंने। देखिए अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान में एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक रीजन होता है बांगड़, और एक है बागड़, एक है बागड़, एक है बांगड़, दोनों में फर्क है। बागड़ तो ये जो हमने पढ़ा अभी, और जो बांगड़ रीजन है ना, बेसिकली जो हमारे राजस्थान का नॉर्थ वेस्ट डेजर्ट रीजन है उसका एक सेमी एरिड ट्रांजिशनल बेल्ट है, उसको हम कहते हैं बांगड़। बांगड़ ऐसे याद रखना, अभी इंडियन क्रिकेट टीम का जो बॉलिंग कोच कौन है, संजय बांगड़ है ना, तो ऐसे बांगड़। तो बांगड़ रीजन जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हम बात कर रहे हैं घग्गर प्लेन की बात कर रहे हैं, लूनी बेसिन की बात कर रहे हैं, और जो शेखावटी का इंटीरियर ड्रेनेज है उसकी हम बात कर रहे हैं, और नागौरी हाईलैंड की बात कर रहे हैं। तो कंफ्यूज मत करना, बिंदी का फर्क है। बांगड़ एक ज्योग्राफी जो एरिया है राजस्थान की फिजियोग्राफी से संबंधित है, और जो बांगड़ है ये राजस्थान का रीजन है जिसके आपके बांटू प्रताप जिले आते हैं। तो जो बांगड़ है वो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान का सेमी एरिड ट्रांजिशनल बेल्ट एरिया, दैट इज बांगड़, बिंदी का फर्क है। थैंक यू सो मच गाइस, पार्ट टू में हम बात करेंगे मेवात रीजन की। टिल देन गुड नाइट।